अलका तुम ठीक हो? अलका डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं नहीं हमें नहीं जाना मम्मी जी। अलका जाना होगा, मुझे टेंशन हो रही है अगर कुछ हो गया तो। संभालो अपने आप को। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। भाभी उठ के बैठिए, आपको बेहतर फील होगा। भाभी तुम जाओ यहाँ से। भाभी जाओ यहाँ से। मम्मी जी देखिए हमने सुना है कि प्रीनेटल क्रैम्प्स में ना आप जितना पानी पियेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए, प्लीज प्लीज थोड़ा सा। बदतमीजी की हद होती है, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। माँ हम भाभी को ऐसी हालात में छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। भाभी भाभी हमने आपके पति को नहीं मारा है, सच बोल रहे हैं हम। आदि हमारा हाथ छोड़ो प्लीज। आखिरी बार कह रहे हैं दूर रहो हमारी फैमिली से। हमें भाभी की हेल्प। वो तुम्हारी भाभी नहीं है, इस घर में कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? और किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। आदि गेट लॉस्ट। मिसेस काव्या प्रधान। आपके वकील कहाँ हैं? वो बिक गए थे। क्या बकवास है ये? अगर आपकी नजर में हम गुनेगार हैं तो फिर आप हमारी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? इसलिए हमने उन्हें निकाल दिया। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें बेल दी जाए ताकि हम अपनी बेगुनाही और हमारे खिलाफ की गई साजिश दोनों के सबूत आपके सामने ला सके। काव्या बंसल का रिकॉर्डेड बयान है हमारे पास ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्ट कैसे कर रहे हैं? इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर खन्ना, अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए। प्लीज बैठ जाइए। आई एम सॉरी ऑनर, लेकिन एक बात तो सच है कि आरोपी काव्या बंसल ने अपने मुंह से अपना गुनाह कन्फेस किया है। वो बयान झूठा है, धोखेबाजी से रिकॉर्ड किया गया। कोई धोखा नहीं हुआ, ये मुजरिम है या ऑनर? ये झूठ बोल रही है, ये रिकॉर्डिंग है। आपके रिकॉर्ड करना धोखेबाजी होती है। हम झूठ नहीं बोल रहे, रिकॉर्डिंग नहीं की है। ये झूठ नहीं है और हम ये साबित कर सकते हैं। ऑर्डर, आप सब चुप हो जाइए वरना हम इस ट्रायल घोषित कर देंगे। मिसेस प्रधान, क्या आप साबित कर सकती हैं कि ये रिकॉर्डिंग धोखे से हुई है? जी योर ऑनर। योर ऑनर, संजीव वर्मा को बुलाने की इजाजत दी जाए प्लीज। इजाजत है। संजीव वर्मा हाजिर हो। वो बयान एक पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड किया गया था और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के मुताबिक एक पुलिस अफसर के सामने रिकॉर्ड किया हुआ बयान कभी भी अदालत में सबूत के तौर पर दाखिल नहीं किया जा सकता है। योर ऑनर, किसी खास परिस्थितियों के कारण पुलिस अफसर के सामने यह बयान रिकॉर्ड करना पड़ा। ऐसी कौन सी खास परिस्थितियां थी? योर ऑनर, हमारे हिसाब से उस परिस्थिति में एक ही बात खास थी कि वो प्रोसिक्यूशन की घिनौनी चाल थी हमें फंसाने की। हमने वहां पे जैसे ही एक पुलिस अफसर को मौजूद पाया हम समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है और फिर हमसे वो लिखा हुआ बयान पढ़वाया गया और चुपके से हमारी आवाज रिकॉर्ड कर ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। ओवररूल्ड। मिसेस प्रधान, अगर आपको शक हो गया था तो आपने बयान पढ़ा क्यों? वो भी पूरा, आप आधा भी तो छोड़ सकती थी। क्योंकि फिर इन्हें हम पे शक हो जाता। और हम इनको यहाँ ऐसे आपके सामने लाकर इनका पर्दाफाश नहीं कर पाते कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। मिसेस प्रधान, हम आपके इस इल्जाम से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।
लेकिन इस रिकॉर्डेड बयान पर भी हमें पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत काव्या प्रधान की बेल को मंजूर करती है। और उन्हें ये वक्त देती है अदालत के सामने ठोस सबूतों के साथ फिर से पेश होने का। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आदि रुक, आदि रुक यार, इतने दिनों बाद मिले हैं भाई, मुंह फिर के जाएगा तो उससे, गले तक नहीं मिलेगा यार, क्या है? दोस्त, कहाँ है दोस्त? हमें तो नजर नहीं आ रहा, और जहाँ तक हम जानते हैं पीठ पे छुरा भोंकने वाले को दोस्त नहीं दगाबाज कहते हैं, ट्रेटर है तू। क्या बोल रहा थी? हम काव्या की मदद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। हमारे लिए तुम दोनों एक ही तरफ हो आदि, समझे? और हमेशा रहोगे। यही तुम गलती करके बंधु, हम दोनों एक तरफ नहीं है और ना कभी होंगे। पर अच्छा तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब वो गिरेगी ना तो कोई तो होना चाहिए उसे उठाने के लिए। अब जाओ यहां से, वरना दल बदलू भी बन जाओगे तुम। जाओ। घर जा रहे हो ना? चलो हमें भी लेके चलो। गाड़ी से उतरो। क्यों? अरे एक ही घर है, एक गाड़ी है, और रिक्शे के पैसे बच जाएंगे। इतना मत करो यार। हमारी बात सुनो, हमारे पास फिलहाल नौकरी है नहीं, और तुम अभी अभी एकदम फ्रेश फ्रेश नेता बने हो, तो तुम्हारे पास अभी तुम्हारे ऊपर की कमाई अभी चालू नहीं हुई है। गाड़ी से उतरो, नहीं तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा ओके, हम कंफर्टेबल है। आउट। दरवाजा छोड़ो, नहीं तो ये गाड़ी चल जाएगी। काव्या। ठीक है। अरे ड्रामा बंद करो और निकलो यहां से। गेट अप, आई सेड गेट अप। देखो आदि, हम जानते कि तुम हमारे खिलाफ, पर हमें फंसाने के लिए तुम झूठ का सहारा लोगे। तुम झूठ की बात कर रही हो, जो खून करके हर रोज झूठ बोल रही है। Excuse me, हमारा गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है मिस्टर अधिराज प्रधान, और अगर ये सच होता ना आदि, तो सबूत मिल जाता, तो मैं ये झूठी रिकॉर्डिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात बताओ, क्या हम फिर जज साहब को बता दें कि इसके पीछे किसका हाथ था? बता दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो जाएगा, वो सबूत को बाहर फेंक देंगे ना, करने दो। पर हम रुकेंगे नहीं काव्या, जब तक तुम्हें हम सजा नहीं दिलवाएंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, और हम तुम्हें सजा दिलवा के रहेंगे। ठीक है आदि, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर ये तो तुम भी जानते हो कि आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है, और फिर ऐसा ना हो कि आखिर में तुम कुछ ऐसा खो दो कभी तुम्हें वापस ना मिल पाए। किस गलत फैमिली में जी रही हो तुम काव्या? जिस आदि को तुम जानती थी वो उसी दिन मर गया जिस दिन तुमने हमारे भाई को मारा। ये आदि तुम्हारा कुछ भी नहीं है काव्या बंसल, क्योंकि अब हम वो हर एक चीज करेंगे काव्या जिससे तुम्हें नफरत है। ऐसे इंसान बन जाएंगे जिससे तुम्हें घिन आती है। उस पुराने आदि का एक कतरा नहीं बचेगा काव्या, देखती जाओ। अब निकलो हमारी गाड़ी से और हमारी जिंदगी से भी। गेट आउट।
आ गए आप? कब से फोन लगा रहे थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ क्या हुआ? बड़े साहब से बात हुई? हिले जी क्या बोले? नहीं अंजलि, मान नहीं रहे हैं वो लोग। तबादला तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है हाथ से। हाँ तो जाने दीजिए नौकरी। ये क्या कह रही हो अंजलि, नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या अपनी जान को खतरे में डालेंगे आप? जानते नहीं कितने खतरनाक लोग हैं वो लोग, कितना कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे साथ में। लखनऊ में रहते रहते जब इतना सब कुछ कर सकते हैं, वो तो गांव खेड़ा है, वहां तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है। नौकरी छोड़ दिया तो खर्चा कहां से आएगा, घर परिवार कैसे चलेगा? हम है ना पापा। नहीं निकट्टू नहीं है कि दो पैसे ना कमा सके, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। आप चिंता मत कीजिए। देखो मैं, तुम इन लोगों से भिड़ना मत बस। पापा दीदी भी तो भिड़ रही है, आप अकेली खतरों के बीच, तो हम क्यों नहीं? हम ऐसे कायरों की तरह दुबक के तो नहीं बैठ सकते ना पापा। सही कह रहा है ये, हमें अपनी बेटी की कमजोरी नहीं उसकी ताकत बनना है। हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्या कहते हैं जी? अब लग रहा है कि तुम बड़े हो गए हो, बहुत बड़े। आप ही से तो सीखे पापा। क्या करें, चाय बना कर लाए? हाँ। पानी क्यों नहीं आ रहा? एक एक बूंद पानी के लिए तड़पाएंगे इन कमबख्तों को, प्यासा मार डालेंगे। बेटी ने बेल मंजूर करा लो, बाप ने तबादला ठुकरा दिया, तू बस बैठा लंबी लंबी हाँकता रहना बस। वो ना हवा ना कुछ ना है तुझसे। अरे अम्मा वो कुछ रास्ते का कुछ रोड़ा था, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अच्छा, ऐसा तड़पा तड़पा के मारेंगे इन बंसलों को, रहम की भीख मांगेंगे हमसे। अनुराग पता है ना तुम्हें क्या करना है? तेल कहाँ चढ़ा रखा है चूल्हे पे, कहाँ तल रही हो? गुजिया बना रहे थे बड़ी अम्मा, मिली है ना? साल भर भी ना हुआ तुम्हारे पति को मरे और तुम होली मनाओगी? नहीं बड़ी अम्मा, वो ओमी को गुजिया बहुत पसंद थी ना, इसीलिए। तो फिर गुजिया पे ही खाए रुकती हो? एक काम करो, खूब सजो धजो, रंग लगाओ, होली खेलो, ओमी को गुजिया बहुत पसंद थी। तो क्या गलत कर रही है अलका भाभी? होली नहीं मना रही, अपने पति की याद मना रही है। और आप रोक क्यों रही हैं उन्हें? अगर अलका भाभी चाहती हैं कि गुजिया बने तो गुजिया बने। हम भी देखते हैं कैसे गुजिया बनती है, कैसे मनाती होली। बड़ी अम्मा। आदि हाँ। पार्टी ऑफिस में होलिका दहन कर रहे हैं, तैयार है ना आप? हाँ। दुष्टों का नाश होता है आज की रात, इनको नहीं ले जाओगे? सिर्फ परिवार वाले जाएंगे बड़ी अम्मा। अगर काव्या नहीं गई तो अपोजिशन वाले इसका फायदा उठाएंगे। आदि बेटा पार्टी का समारोह है तो सबका जाना ठीक रहेगा। बात तो आपकी सही है पापा, सबका जाना जरूरी है। तो चले। तुम बीमार हो? नहीं। हाँ तुम हो? नहीं। काव्या तुम बीमार हो? हम बीमार नहीं। पापा हमारी बीवी आ नहीं पाएंगी, उसकी तबीयत खराब है। हमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है, हर सन की को ये लगता है कि वो ठीक है। घर पे रहो, आराम करो। चलिए पापा, बड़ी अम्मा। अब अनु भैया किधर है? वो जरूरी काम से गया, वहीं आ जाएगा। ठीक है, आराम करो। मैं क्या, बिजनेस का आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे भाई इसमें पैसे काफी लगेंगे। भाई तभी तो बोला कि कोई इन्वेस्टर हो तो बताओ,
थोड़ा अर्जेंट है दोस्त। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त से भी बात किया था। बस वो आ रहे होंगे। थैंक यू भाई। अरे भाई उसमें थैंक यू की क्या बात है। ये है तुम्हारा बिजनेसमैन दोस्त। अरे अनुराग भाई आइए आइए, कैसे हो आप? अरे हम बढ़िया हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस आपकी दुआ है। नमस्ते, हम पहले भी मिले हैं। अरे सुनो यार, बात तो सुन लो, हमें भी बोलने का मौका दो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ आ रही है? हाँ ठीक है, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। बैठो, बैठ के भी बात हो सकती है। बैठो। बोलो। जी देखो, हम तुमसे पहले से मिलना चाहते थे, आदि के बड़े भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाचा जी और आदि की बात से सहमत हो जाएं। कौन सी बात से? हमारे पापा का ट्रांसफर करा दिया या फिर हमारे घर का पानी बंद करवा दिया? तुम सब एक नंबर के कमीने हो। चाचा जी का तबादला हो गया है? कब? नौकरी छोड़ दी उन्होंने। अरे यार चाचा जी, हमने नहीं सोचा था कि चाचा जी इतना गिर जाएंगे। बात बंद करो, तुम्हारी ये मीठी बातों में नहीं आने वाले। हमारा बस चले ना, सबको लाइन में खड़ा करके जूते से मारे। देखो यार मयंक भाई, हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी, हमें नहीं पता था, हमें तो अभी पता चला है यार। अभी की हमारी जो बहन की हत्या हुई है उसके पीछे ओमी का हाथ था, और अब देख रहे हैं कि ये दोनों बाप बेटा, ये अब दोनों मिल करके काव्या के पीछे पड़ गए। हमको पूरा यकीन है वो किसी इंसान का खून कर ही नहीं सकती है, लेकिन क्या करें। या अम्मा, चाचा जी, आदि, इन सब के सामने कौन बोल पाता है? इसलिए तो हम यहाँ आए हैं चोरी चुपके तुम्हारी ये मदद करने के लिए। मैं तुम्हारा कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपने पैसे। छोटे भाई जैसे हो तुम हमारे यार, ठंडे दिमाग से सोचो, भूल गए हो तुम्हारे सिवा अंकल और आंटी जी का कोई नहीं है। अंकल जी के पास जॉब नहीं है, इत्मीनान से सोचो। उसके बाद भी अगर दिल नहीं करे तो कोई बात नहीं, हमारा नंबर है तुम्हारे पास, हमको फोन करके हमें लौटा देना, समझे? भाई हैं हम तुम्हारे, रखो ये लेकर। हल्का भाभी क्या हो गया, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो गया? दूर हो जाओ तुम, मत छुओ हमें काव्या। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देखिए हम आपको हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। हाथ मत लगाओ। अलका भाभी बस, देखिए हम आपको अस्पताल लेके जा रहे हैं, आपकी और आपके बच्चे की जान का सवाल है। आपको जितनी नफरत करनी है ना हमसे आप कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त हम आपकी नहीं सुनने वाले। चलिए उठिए, थोड़ी सी हिम्मत करिए, आइए आइए, हमारे कंधे पे हाथ रखिए। भाभी कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और हम पहुंचने वाले हैं। लीजिए पानी पीजिए। भाभी आपको पता है, एक बार ना उम्मीद भैया ने हमें बताया था कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तब उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। भाभी याद करिए ना, आपको कैसे लगे थे पहली बार उम्मीद भैया? वो कुछ बोल नहीं रहे थे। गाड़ी कैसे बंद हो गई? कहाँ जा रही हो मैं छोड़ के? भाई साहब हमें एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, हम प्लीज आप हमें फोन देंगे अपना प्लीज। हेलो, आदि काव्या बोल रहे हैं। देखो प्लीज फोन मत काटना, ये बहुत अर्जेंट है। अलका भाभी लेबर में है, हमारी गाड़ी बंद हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बच्चा कभी भी हो सकता है, हमें हेल्प चाहिए। काव्या अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। नहीं भाभी, भाभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए बहुत देर हो जाएगी, आपकी डिलीवरी हमें यही करानी पड़ेगी। नहीं काव्या, कुछ हो जाएगा,
नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हम बचा लेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। भाभी हमारी तरफ देखो, देखिए मम्मी भैया को नहीं बचाते। अब ये बच्चा उनके आखिरी निशान, इसे हम बचा लेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.